कोरोना वायरस के इस समय में हम सभी अपनी बेसिक नीड्स पे आ चुके हैं, पर क्या हम अपनी बेसिक नीड्स के ऊपर भी पैसे बचा सकते हैं? जी हाँ, आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी टिप्स और ट्रिक जिनके बेसिस पे हम इन बेसिक नीड्स के ऊपर भी पैसे बचा सकते हैं। जैसे कि जब आपका नाश्ता बनाने को मन ना हो तो आप सिंपल नो फ्लेम ब्रेकफास्ट बना सकते हैं जिसमें न्यूट्रिशंस भरे हुए हैं और प्रिजर्वेटिव्स नहीं हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी ऐसी ही प्रैक्टिकल और इफेक्टिव टिप्स। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका प्लास्टिक रोटी में आपका स्वागत करती हूं। प्लास्टिक रोटी इंडिया का पहला जीरो वेस्ट लाइफस्टाइल चैनल। अवॉइड ऑर्डरिंग फूड। इसको अवॉइड करने का सिंपल आसान सा तरीका यही है, जब भी आपका खाना बनाने को मन ना हो तो आप नो फ्लेम फूड ट्राई कर सकते हैं। इसमें मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने ब्रेड नहीं इस्तेमाल की है। ये सभी रेसिपीज़ पैकेजिंग फ्री, न्यूट्रिशन से लोडेड और बहुत इजी बनाना है। आप चाहे तो अभी इनमें से कोई ना कोई डिश ट्राई कर सकते हैं। मीठा नमकीन दोनों वेरिएशंस हैं। और अगर आप इन्हीं डिशेस को आयुर्वेद के तरीके से बनाना चाहते हैं तो इन दोनों चीज़ों में से सिर्फ एक चीज़ डालिए, या तो दूध या फिर फ्रूट। दूध और फ्रूट दोनों साथ में आयुर्वेद के हिसाब से नहीं जाते हैं। दूसरा, अगर आपको थोड़ा हैवी ट्राई करना है तो आप वन पॉट कुकिंग ट्राई कर सकते हैं। वन पॉट कुकिंग में आपको बहुत सारी चावल की डिशेस दिख जाएंगी, पर अगर आप चावल नहीं खाना चाहते हैं तो आप सिंपली इनको स्वाद के चावल या फिर दलिये के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इनमें एक मुट्ठी दाल भी डाल सकते हैं। इस तरह से वन पॉट मील में ही बहुत सारी वेरिएशंस हो सकती हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कोई भी वन पॉट मील आराम से बना सकते हैं और उसे दही के साथ खाइए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। जितनी देर आपको ऑर्डर करके और उसका वेट करने में लगेगा, उससे भी कम टाइम पे ये वन पॉट मील तैयार हो जाएंगी। प्लास्टिक पैकेजिंग फ्री। दूसरा, हाई कोरोना वाला डर नहीं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, 100% हेल्दी है। इसमें कोई भी बहुत ज़्यादा, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा मिर्ची डाल सकते हैं या कम मिर्ची डाल सकते हैं। जो फ्लेवर आपको जैसा पसंद है उसको कस्टमाइज्ड कर सकते हैं। तो वन पॉट मील ज़रूर ट्राई कीजिएगा जब भी आपका खाना बनाने को, फुल फ्लेज मील बनाने को मन ना करे तो। समर ड्रिंक्स। गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं और हम बहुत सारी इस तरह की आर्टिफिशियल कलर, फ्लेवर और शायद कार्बन डाइऑक्साइड की ड्रिंक्स लाना पसंद करते हैं अपने घर में और उन्हें पीना पसंद करते हैं। क्यों क्यों अपनी बॉडी को स्पॉइल करना चाह रहे हो? इनका रिप्लेसमेंट बहुत सिंपल है। अगर आपको कुछ करने को मन नहीं है तो गुड़ की एक डली सिंपल पानी में डाल के रख लीजिए, 2 घंटे में पिघल जाएगा और आपका गुड़ का शरबत तैयार है। और उससे भी ज़्यादा, इतना 2 घंटे भी अगर आप नहीं वेट कर सकते तो आप सत्तू ट्राई कर सकते हैं। पाउडर निकाला, घोला, चीनी डालनी है चीनी डालो, शक्कर डालनी है शक्कर डालो, नींबू डालना है नींबू डालो, पानी में घोलिए। और सबसे अच्छी प्रोटीन शेक। जी हाँ, सत्तू में प्रोटीन सबसे ज़्यादा होता है। जौ का सत्तू या चने का सत्तू, दोनों में से आप कोई भी ट्राई कर सकते हैं, दोनों ही बहुत अच्छे हैं। इसी तरह की 4 ड्रिंक्स आप ट्राई कर सकते हैं। ये 4 ड्रिंक्स बहुत सिंपल है बनाना और इनमें नेचुरल न्यूट्रिशंस हैं। कोई प्रिजर्वेटिव नहीं, सिंथेटिक कलर नहीं, सिंथेटिक फ्लेवर नहीं। ये तीनों चीज़ें पेट्रोलियम की बाय प्रोडक्ट्स हैं, तो अवॉइड कीजिए इन पेट्रोलियम बाय प्रोडक्ट्स को। अपनी हेल्थ को भी बचाइए और पैसे भी बचेंगे। स्नैक्स। स्नैक्स के टाइम पे हम लोग अक्सर इस तरह के पैकेट्स ही लेना प्रेफर करते हैं। थोड़ा और ढूंढिए, उसी ग्रोसरी की दुकान पे आपको इन चारों में से कोई ना कोई ऑप्शन मिल जाएगी। अगर पैकेट में है तो प्लीज़ उसके इंग्रेडिएंट ज़रूर पढ़िएगा, और अगर पैकेट में नहीं है तो बहुत अच्छा, ये प्रिजर्वेटिव फ्री नेचुरल स्नैक्स हैं आपके लिए, न्यूट्रिशन से भरे हुए। अगर ड्राई फ्रूट्स इतने अच्छे हैं तो हम उन्हें स्नैक्स की तरह क्यों नहीं खा सकते? आपको बहुत सारी ऑप्शंस मिलेंगी, थोड़ा एक्सप्लोर तो कीजिए। पर अगर आप भुजिया या ऐसा कुछ लेना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप लोकल ब्रांड्स खरीदिए, बड़े बड़े ब्रांड्स मत खरीदिए। एक, जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं वो प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं, दूसरा उनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी ज़्यादा है,
तीसरा वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट महंगे हैं, और यही सब चीज़ें अगर आपको एक लोकल मार्केट में मिल रही हैं तो आप इन ब्रांड्स की तरफ क्यों जाएं? ये हमारी लोकल इकोनॉमी को बूस्ट करेगी जिसकी सबसे ज़्यादा इस समय हमें ज़रूरत है। तो अगर आपका स्नैक्स लेने को मन है तो आप चाहें तो घर में ही सिंपल स्नैक्स बना सकते हैं या फिर इन लोकल ब्रांड्स की तरफ स्विच कर सकते हैं। बाय लूज ग्रोजरी। अब आप सोच रहे होंगे कि जिस दुकान पे हम जाते हैं वहाँ पे तो लूज ग्रोजरी मिलती है ही है, तो ये आपकी गलत फहमी है। ये आपकी गलत फहमी इसलिए है क्योंकि हर जगह पे लूज ग्रोजरी होती है। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई है कि मैंने बिग बाजार से किस तरह से लूज ग्रोजरी खरीदी। आपको हर छोटी बड़ी ग्रोजरी स्टोर पर इस तरह का सेक्शन मिल जाएगा जहाँ पर लूज ग्रोजरी मिलती है। उनका प्राइस 10 से 15 रुपए कम होगा, पर आप फिर ये सोचने लगेंगे कि इसकी क्वालिटी कहीं हल्की तो नहीं। ऐसा नहीं है, फर्क केवल इतना है कि जो आपकी लूज दाल है वो आपके पास की अनाज मंडी से आती है, लेकिन ये जो पैक्ड दाल है ये अनाज मंडी से पहले किसी दूर फैक्ट्री में जाती है, वहाँ पे इसकी पैकेजिंग होती है और उसके बाद फिर आपके पास आती है, और वो जो एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ी इस दाल के ऊपर वो ही 10 से 15 रुपए इस पैकेट के ऊपर है। तो क्यों हम ये एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करें और सिंपल लूज दाल खरीदें? अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप दोनों लेके आइए, दोनों बनाइए और खाइए। आपका जीव सबसे अच्छी सबसे ट्रस्टेड लेबोरेटरी है, वहाँ पर टेस्ट कीजिए। आपको दोनों के टेस्ट में एक पैसे का भी फर्क नहीं लगेगा। तो प्लीज़ लूज ग्रोजरी खरीदना शुरू कीजिए। ये ना सिर्फ हमारे पैसे बचाएगा बल्कि हमारी लोकल इकोनॉमी को भी बूस्ट करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। DIY टाइम। आप सोच रहे होंगे कि ये टाइम में हम DIY प्रोडक्ट्स यूज़ करें। Exactly, यही सही टाइम है, क्योंकि इस टाइम पे हमें अपने हेल्थ बचानी है, हमें अपने पैसे भी बचाने हैं और हमें अपने एफर्ट्स भी बचाने हैं। तो बाहर क्यों जाएं हर चीज़ के लिए? आप अपनी रसोई में सिंपल जाके अपना फेस वॉश बना सकते हैं, अपनी फेस क्रीम बना सकते हैं, अपना शैम्पू बना सकते हैं, अपना पेस्ट बना सकते हैं। पेस्ट नहीं तो दातुन ही ट्राई कर लीजिए। आप आराम से ये सारी चीज़ें ट्राई कर सकते हैं, इनमें कुछ टाइम नहीं लगता। आप मार्केट जाके जितने समय में ये चीज़ें लेके आएंगे उससे भी कम टाइम लगेगा। अपनी किचन में जाइए, इन प्रोडक्ट्स को एक पर्टिकुलर रेशो में इकट्ठा कीजिए और आपका प्रोडक्ट तैयार है। तो ये सही टाइम है इन DIY प्रोडक्ट्स को यूज़ करने का, क्योंकि हमें अपने पैसे और अपनी हेल्थ दोनों बचाने हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जितना हम शेयर करेंगे उतनी ही अवेयरनेस बढ़ेगी, उतना ही हम अपने पैसे इस पैंडमिक के टाइम पर बचा सकेंगे और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हेल्दी खाने की तरफ जा सकेंगे। हमारी हेल्थ इस समय सबसे बड़ी वेल्थ हो चुकी है, तो अपनी वेल्थ को बचाइए, चाहे वो सिक्कों की खनक हो या सेहत की। तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में इसी तरह के किसी पल्यूटर के साथ। धन्यवाद।